विक्की, काफी बड़ा बगीचा है। लगभग 1000 बीघा। अच्छा, मजदूर भी काफी होंगे? 2000 के आसपास। इन मजदूरों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल है कि नहीं? हाँ है, क्यों नहीं। और हॉस्पिटल? अरे है बाबा, तुम यहाँ पर मेरे साथ छुट्टी बिताने आए हो या मेरा इंटरव्यू लेने? कहीं कॉलेज की नौकरी छोड़कर टीवी चैनल ज्वाइन तो नहीं कर लिया? धत, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। दरअसल विक्की, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और इस तरक्की का आधार है हमारे गांव, कस्बे, ऐसे छोटे छोटे इलाके। अगर हो गया तो चले, बाकी बातें बंगलो चलकर करते। कोई एतराज? चलो। संभाल के। क्या रे नंदी काका, छुट्टी पर था क्या? हाँ शंभू, बिटिया का कॉलेज में दाखिला था, इसलिए छुट्टियां ले रखी थी, आज ज्वाइन करूंगा। ओहो, इसलिए पिछले 3-4 दिनों से तेरी बेटी पत्ता तोलने नहीं आई? हाँ शंभू, अब वो नहीं आएगी, मैं उसको और पढ़ना चाहता हूँ। अरे ओ नंदी काका, कुएं में रहकर आसमान छूने की कोशिश मत करना। अरे क्या करेगी पढ़ लिख कर, पत्ता तोड़ेगी तो 2-4 पैसे कमा लेंगी। कमाने के लिए मैं हूँ ना, मैं तो पढ़ाऊंगा, उसको ऑफिसर बनाऊंगा। अरे दिन में सपना देखना छोड़, अभी काम पर लग जा, मैनेजर बाबू का राउंड पर आने का समय हो गया। चल जाता हूँ, निकल। संगीता। हाँ। तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, राउंड पर निकलने का टाइम हो गया। ठीक है। अच्छा बेडरूम किस तरफ है? उस तरफ। लक्ष्मी, मेम साहब को चाय पिलाना, तुम रेस्ट करो। मेम साहब चाय रख दो। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी कोइरी। मर्द क्या करता है, मतलब तुम्हारा पति? बागान में दवाई छिड़कता है। हाँ, बच्चे हुए कि नहीं? 3 छोकरा छोकरी है मेरे। 3? जी। तुम्हारी तो इतनी उम्र नहीं लगती। अब क्या बताऊं मेम साहब, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, फिर जल्दी जल्दी 3 बच्चे भी हो गए। अभी क्या उम्र है तुम्हारी? मालूम नहीं, शायद 19। क्या, 5 साल के अंतराल में 3 बच्चे? मेम साहब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। ठीक है, सुनो, अपने सेहत का ख्याल रखना। देखो तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। जी, मतलब तुम्हारी आंखें पूरी काली हो चुकी है, तुम्हें खून की कमी है। राशन तो बराबर मिलता है ना? मिलता है मेम साहब। और साग सब्जियाँ? कहाँ मेम साहब, इतनी महंगी सब्जी हम लोग कहाँ खरीद पाते हैं? कभी जंगल से कुछ ले आते हैं या फिर आलू से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं नहा के आती हूँ। नमस्कार साहेब। नमस्ते साहेब। क्या हुआ, आज मजदूर इतने कम क्यों हैं? साहेब ज्यादातर औरत मजदूर बीमार है। अच्छा, तो एक काम करो, बाहर से मजदूरों का इंतजाम करो, टारगेट फुलफिल होना बहुत जरूरी है। जी साहेब, हम कोशिश करेंगे। तुम दूसरे लाइन पे जाओ। जी अच्छा। बुरा ना मानो तो एक बात कहो साहेब। हाँ कहो। और जनजातीय लोग बागान में काम नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्यों नहीं कर पाएंगे? वे क्या है कि वे हमारे माहौल में घोल मिल नहीं पाते।
हमारे मजदूर दिन भर में जितना पत्ता तोड़ेंगे वे उसका आधा भी नहीं तोड़ पाता। ऊपर से डांटने से भड़क जाता है और मजदूरी भी ज्यादा मांगते हैं। तो हमारे जो महिला मजदूर बीमार हैं, उनका इलाज करवाओ। जी, मैंने कालिंदी ओझा को भेजा है। जिस घर में भी कोई बीमार है कालिंदी जाएगा वहाँ। कालिंदी ओझा, ये कौन है? ये कैसे बीमारों को ठीक करेगा? वो एक तांत्रिक है, झाड़ फूक से ही लोगों को ठीक करता है। बहुत पोचा हुआ तांत्रिक है। क्या बकवास है ये है? क्या बकवास है? हमने बगान में अस्पताल क्यों खोल के रखा है? डॉक्टर, नर्स, दवाया सब कुछ है, सबको भेजो अस्पताल में। ये ओझा तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़ने दो। देखो, कल तक मुझे पूरे मजदूर चाहिए। जी जी, वो लोग डरते हैं अस्पताल जाने से। औरतें शर्माती भी है और सुई से भी डरती है। बहुत कोशिश की हमने। गजब हो गया मैनेजर साहब, गजब हो गया। वहाँ हरिया और उसकी पत्नी को लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। क्या, क्यों पीट रहे हैं? वो लोग कहते हैं कि हरिया और उसकी पत्नी डायन है, उन्हीं की वजह से सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। शंभू, ये डायन का क्या चक्कर है? अरे साहेब, आप इस बगान में नए हो ना, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये डायन लोग बहुत खतरनाक होते हैं, इंसान का कलेजा खा जाते हैं। बकवास बंद करो, कोई डायन वायन नहीं होता है। आज के जमाने में ये सोच रखना बेवकूफी है। मैं चल कर देखता हूँ कहाँ हुई है ये घटना। वहाँ दो नंबर कॉलोनी में। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या रे छोकरे, ये सब बातें क्या मैनेजर साहब को बताना जरूरी था? क्यों, डरते हो कि कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जाए? क्या बकवास करते हो? मुझे सब पता है शंभू दादा। अरे शंकर, शंकर, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या रहा है तुम्हारे बागान में? वही सोच रहा हूँ, आज अगर सही वक्त पर नहीं पहुँचता तो वे लोग हरिया और उसकी बीवी को मार डालते। पुलिस बुलाकर सबको संभालना पड़ा। एडुकेशन बिकी, एडुकेशन, यहाँ एडुकेशन की कमी है। यहाँ के लोगों की सोच आज से 100 साल पहले जैसी थी और आज भी वही है। लोगों के बीच जागरूकता लाने से ही कुछ होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। इस लक्ष्मी को ही देखो, 19 साल की उम्र और 3 बच्चे, अभी तक नसबंदी भी नहीं करवाई। चौथा कभी भी हो सकता है। खाने में दाल, चावल और आलू। और सबसे बड़ी बात यह, ये लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, इलाज के लिए वैद, हकीम और तांत्रिकों पर भरोसा करते हैं। हाँ साहब, कालिंदी काका के मंत्रों में बड़ा जोर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल तेरा एक हाथ काट दूंगा, फिर कालिंदी काका को बुला लेना, वो मंत्रों से जोड़ देगा, लगे हाथ हम भी देख लेंगे। क्यों क्यों संगीता, है कि नहीं? गलती उसकी नहीं है विकी, यहाँ का सोशल सिस्टम ही गलत है। यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास नहीं है, ये मुझे आवाज हो गया है, और बाकी तो मैं धीरे धीरे पता कर लूंगी। तुम करना क्या चाहती हो? इस एक महीने में मैं इन लोगों को कुछ हद तक एडुकेट करने की कोशिश करूंगी। बिना जागरूकता लाए कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं, तुम अपनी छुट्टियां बर्बाद मत करो। नहीं विकी, तुम इन्हीं लोगों के बीच में रहते हो। हाँ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, वो मैं मानती हूँ, पर मेरे पास तो वक्त है। हम लोग पढ़े लिखे नागरिक है और हमारा ये फर्ज बनता है कि
परिवेश की गंदगी के साथ साथ हमें लोगों के मन से भी अज्ञानता, रूढ़िवादी विचार और कुसंस्कार जैसी गंदगी को हटा देना है। यह सब तो ठीक है प्रोफेसर निसहेवा, पर यह सब आप करोगी कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे बागान के 2-3 सरदारों से मिलूंगी, उन लोगों के साथ बात करूंगी। और बागान में कोई तो पढ़ा लिखा आदिवासी होगा, पता करना पड़ेगा। माफ करना मेम साहब, एक बात कहूँ? तू फिर से आ गई बीच में बोलने के लिए, जा अपना काम कर। क्या तुम भी विकी, बोलने दो ना उसे, बोलो लक्ष्मी। मेरे पति कहते हैं वो जो शंभू सरदार है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है, बेवड़ा है बेवड़ा, सब डरते हैं उससे। आप जरा संभल के रहना उससे। और हाँ, वो जो नंदी सरदार है ना, वो अच्छा आदमी है। ठीक है, एक काम करो, अगर खाना हो गया है तो टेबल में लगा दो। जी जाओ। मैं जरा बेडरूम होकर आता हूँ। शंभू सरदार, नंदी सरदार और कालिंदी ओझा। तो आप है कालिंदी ओझा, यहाँ के मशहूर तांत्रिक। नमस्ते जी, बस झाड़फूंक कर लेता हूँ। आपको भी कोई तकलीफ है क्या मैम साहब? तकलीफ तो है, पर मुझे नहीं। अभी आप जा सकते हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गया मैम साहब? अरे नहीं नहीं, अभी आप जाइए। परंतु अरे तू जा रहा है? मैम साहब ने कहा ना तुझे जाने के। आप दोनों हैं मजदूरों के सरदार जी। क्या करवाते हैं आप लोग मजदूरों से? पता तोड़वाते हैं और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं मैडम जी। बहुत अच्छा, लेकिन मजदूर और उनके परिवार के कल्याण के लिए क्या करते हैं? कोई जवाब नहीं है ना आप लोगों के पास, है ना? खाने पीने का राशन दिलवा देते हैं। ये बागान के मालिक का काम है और वो तो वैसे भी उन लोगों को मिलता है, हक है उनका। हम कुछ समझे नहीं मैम साहब। चाय बागान का कारखाना चलता है मजदूरों के मेहनत से, और ये तभी संभव हो सकता है जब मजदूरों का तन मन स्वस्थ रहे। इन मजदूरों का अगर भविष्य सुरक्षित रहे तभी एक बागान का भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये सब क्यों कह रही हूँ। जरूर कुछ अच्छा सोचकर ही कह रही होंगी, है ना शंभू? हाँ? हाँ। मेरे पति यहाँ के मैनेजर है और उनके पत्नी होने के नाते इस बागान के और यहाँ के मजदूरों के कल्याण के बारे में सोचना मेरा फर्ज बनता है। यह तो आपकी महानता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। परंतु एक सरदार होने के नाते क्या आप लोगों ने कभी मजदूरों के बच्चों के शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी खान पान, पीने का पानी, एक स्वस्थ वातावरण, बिजली की सुविधा, उनके बीच एक सांस्कृतिक माहौल, इन सब के बारे में कभी सोचा है? बुरा मत मानिएगा मैडम, इन सब बातों को हम क्यों सोचे? मालिक है ना सोचने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा,
मालिक अपना काम कर रही है। मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, खेल कूद के लिए मैदान, सालाना जलसा, और क्या चाहिए था? और तो और, मजदूरों के दो मकानों के बीच इतनी खाली जमीन छोड़ रखी है कि वहाँ साल भर सब्जियों की खेती हो सकती है। सही कह रही हैं आप। क्या आपके बीमार मजदूर कभी अस्पताल जाते हैं? नहीं। आपके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं? नहीं। आप लोग अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में बागान में पत्ता तोड़ने के लिए भेज देते हैं। शिक्षा दीजिए उन्हें, शिक्षा, उनका भविष्य बचाइए। शिक्षा एक बड़ी शक्ति होती है। शिक्षा होगी तभी आपके समाज और बिरादरी से कुसंस्कार और रूढ़िवादी विचार दूर होंगी, वरना आए दिन दायनी संदेह में इन हरिया जैसे लोगों की पिटाई होती रहेगी। क्या पता कल आप लोगों की बारी आ जाए पिटने की। बस एक अफवाह फैलाने की देरी है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। सोचिए इस विषय पर, लोगों के बीच जागरूकता लाइए। आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। मैं आपके साथ हूं, कहिए मुझे क्या करना होगा। जी मैं चलता हूं, पत्ते कलेक्शन करना है, बहुत देर हो गई है। ठीक है, जाइए। नंदी, मैं कल कॉलोनी का इंस्पेक्शन करूंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का हो तो उसे भी साथ ले लीजिएगा। मैम साहब, मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी है, कॉलेज जाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे भी साथ ले लेना। और हाँ, ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। जी अच्छा, तो मैं चलूँ मैम साहब। ठीक है, आप जाइए। नमस्ते। लक्ष्मी जी। मैम साहब, तुम्हारा बड़ा बेटा कितने साल का है? 4 साल 2 महीना। 5 साल होते ही उसे स्कूल में डाल देना। जी मैम साहब, मैं तो पढ़ाऊंगी तीनों को, बड़ा आदमी बनाऊंगी। शाबाश। बाबा चाय ला। बाबा, मैनेजर साहब ने क्यों बुलाया था आज आपको? बुलाया तो था मैनेजर साहब ने, पर हम लोगों से बात की मैडम जी ने। बहुत दूर की सोचती है, मेरे तो कुछ कुछ समझ में आ गया था पर शंभू के सर के ऊपर से निकल गया। क्या बातें कही बाबा। हमारे जनजातीय लोगों की विकास, उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणवत्ता आदि, इन सब बातों पर ही कुछ कह रही थी। कहती है सुधार लाना होगा। बाबा, पहली बार हम लोगों के बारे में किसी ने कुछ सोचा है। अगर उन्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हाँ हाँ, कहा तो था मैं मिलवा दूंगा तुम्हें मैडम जी से। और एक काम करना, किसी भी तरह शंकर तक खबर भिजवा देना, कल सुबह आके मुझसे मिले। जी अच्छा, भिजवा दूंगी। बाबा, आपने अभी कहा ना कि मैडम जी ने मेरे बारे में कुछ कहा है, क्या कहा है? कल सुबह मालूम होगा। और फिर अगले ही दिन संगीता मैडम ने आदिवासी युवक शंकर और नंदी की बेटी चंपा के सहयोग से बागान की बस्तियों का दौरा किया। आ गए तुम लोग? नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। तुम लोग रेडी होके आए हो ना? जी हम रेडी होके आए। हाँ हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अब जाओ। ठीक है मैम साहब। तो चले। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की हमारे बिरादरी के लोगों को जागरूक करने की, पर क्या करें, कभी मेरा मजाक बनाया गया। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए और आजकल इंटरनेट पर हर जिज्ञासा का हल है। पर हमारे लोगों को इसका इस्तेमाल भी तो आना चाहिए। क्योंकि आप लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते नहीं हो, बीमार पड़ने पर भी आप लोग अस्पताल जाते नहीं हो,
स्कूल मास्टर और हम लोग बेकार हो चुके हैं। खास कर बहनों से अनुरोध है कि वो स्वस्थ रहे ताकि अपने घर के सदस्य को भी स्वस्थ रख पाए, इसीलिए बीमार पड़ते ही अस्पताल जाए।